बचपन खिलौनों के बिना अधूरा है, लेकिन मार्केट में बिक रहे केमिकल वाले खिलौने बच्चों की सेहत के लिए हानिकारक भी हैं। वहीं इस परेशानी का हल ढूंढ निकाला है विशाखापट्टनम के सीवी राजू ने, जिन्होंने पद्मावती एसोसिएट सहकारी संघ बनाकर 500 साल पुराने एटिकोपिका खिलौने बनाने के साथ पुरानी कला को सहेजा है, साथ ही 200 परिवारों को रोजगार भी दिया है। राजू और उनके कारीगर पूरी तरह से केमिकल फ्री और इको फ्रेंडली खिलौने बनाते हैं, जिसमें पेड़ पौधों के रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। इनकी क्राफ्ट्स काउंसिल ऑफ इंडिया की मदद से टेस्टिंग की जाती है। राजू खिलौनों के साथ किचन वेयर में यूज होने वाली चीजें जैसे बाउल बॉक्स भी बना रहे हैं। इसके अलावा उनके कारीगर एजुकेशनल खिलौने भी बना रहे हैं, जिन्हें प्री नर्सरी के बच्चों को पढ़ाने में इस्तेमाल किया जाता है। 58 साल के सीवी राजू आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के पास बसे एटिकोपिका गांव के रहने वाले हैं, जो किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। एटिकोपिका 500 सालों से एक खास तरह के पारंपरिक लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए जाना जाता है, लेकिन डिजिटल वर्ल्ड में यह पारंपरिक कला लुप्त होती जा रही थी, जिसे खत्म होने से राजू ने बचाया है। राजू को साल 2002 में अपनी इस पहल के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। पिछले साल वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में सीवी राजू के प्रयासों की भी सराहना की। इसके अलावा राजू को और भी कई अवार्ड से सम्मानित किया गया। विशाखापट्टनम के एक छोटे गांव में बनने वाले ये खिलौने देश के कोने कोने में ई कॉमर्स के जरिए बेचे जा रहे हैं। एटिकोपिका खिलौने से हर कारीगर दिन में 5 से 6 घंटे काम कर महीने के 28 से 30 हजार खिलौने बना लेता है, साथ ही 25 से 30 हजार रुपए की हर महीने कमाई भी कर लेता है। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।